नशा करने वालों पर शालिनी भटनागर ने लगाया अंकुश। जिला चिकित्सालय में नशा करने वालों पर श्रीमती शालिनी भटनागर ने लगाया अंकुश तथा अस्पताल परिसर में जो भी व्यक्ति नशा करता पाया गया उस पर 200 रुपए का जुर्माना डाला गया। अस्पताल परिसर में घूम घूम कर नशा करने वालों पर पैनी नजर रखी गई। मेरा कहना यह है और मेरा ये मानना है कि अगर हम अपने द्वारा अगर जो सार्वजनिक स्थान पर जो मरीज और मरीज के रिश्तेदार बीड़ी गुटखा पान ये सब चीज़ें का अगर सेवन कर रहे हैं या सार्वजनिक स्थान जैसे हमारा अस्पताल है इसके परिसर में अगर कोई करता हुआ मिलता है तो हम उसकी अर्थदंड रसीद जो DM साहब द्वारा दी गई है उसको हम यहाँ पे काटते हैं। क्या शुल्क काट रही हैं उसका? उसका शुल्क जो है 200 रुपये है, 1 रुपये से लेकर 200 रुपये तक, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई 200 रुपये दे दे। दंड दंड है, दंड की रसीद काटते हैं तो उसमें 1 रुपये से लेकर हम 200 रुपये तक के बीच में हम उसकी रसीद काटते हम देते हैं और उसको उस चीज़ के लिए हम उसको समझाते हैं कि इसके क्या क्या हानि है और ये कौन सा भयानक रूप ले सकती है, इन सब चीज़ के लिए उसको आगाह करते हैं। और साथ ही जब रसीद काटते हैं तो हम उसको ये समझाते हैं कि इसको आप अपने आस पड़ोस में भी आप इस चीज़ के लिए बताएं ताकि और लोग भी इस सेवन से बचें। कितना शुल्क आपने अभी तक जमा करा इसके लिए? आज हमारे साथ में डॉक्टर प्रशांत थे और एक टीचर थे, वो इसमें सोशल वर्कर शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो वो लोग आए थे, वो और मैं और डॉक्टर प्रशांत राजपूत जो कि CMO के यहाँ से थे तो हम तीनों ने मिलकर 700 रुपये की रसीद काटी थी। कितने लोगों को अपना आज जागरूकता किया? आज हमारा जो जागरूकता का नहीं था कम से कम हमारे 30-35 लोग हमें मिले जिसको हमने जागरूक करा। कोई कुछ नहीं दे पाया तो हमने समझा के भी उसको हमने इस चीज़ के बारे में अवगत कराया ताकि वो इस सब चीज़ से बचे और बीड़ी माचिस अगर हमने देखी तो उससे वो हमने ली और उसके बारे में हमने उसको खतरे बताए ताकि अपने जो पीढ़ी अगर उस जो उसकी पीढ़ी है उसको वो उस चीज़ से वंचित कर सके। साले में महीने में कम से कम 2 या 3 बार सारे स्टाफ और चिकित्सकों की हम मीटिंग करते हैं क्योंकि हमें ये देखना होता है कि चिकित्सालय में कार्य कैसा चल रहा है, सबसे फीडबैक लिया जाता है और जहाँ सुधार की कोई गुंजाइश होती है हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि किस तरह से उसमें सुधार किया जाए, सफाई व्यवस्था में, मरीजों के देखभाल में, उनके दवा वितरण में और यदि कोई किसी के विरुद्ध कोई शिकायत आती है तो उसके लिए भी हम लोग जवाब तलब करते हैं। तो ये हम लोग क्या मंथली मीटिंग हर महीने में कम से कम 2 तो होती हैं, कभी कभी मौका मिलता है तो हम लोग ज़्यादा भी कर लेते हैं। क्या मैडम कोई कमी आपके सामने आई? कमियां जो आती हैं उनका निस्तारण कर दिया जाता है और फिलहाल में ऐसी कोई बड़ी कमी नहीं है। और इसके अलावा हम लोग अपने अस्पताल को अब चाहते हैं कि कायाकल्प में तो इसे अवार्ड मिल ही गए हैं, अब आगे को 1-2 और दिल्ली के भी कई एक्रेडिशन हैं जिसमें NABH भी एक है तो हम लोग उसके लिए भी प्रयासरत हैं और सभी लोग हमारे यहाँ डॉक्टर स्टाफ सभी लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा मैडम एक जहाँ से एक बात चल रही है अस्पताल के अंदर काफ़ी टाइम से चले आ रही है वो बात, जहाँ तक आपके पास तक आई ना आई मेरे को इस बात से जानकारी नहीं है लेकिन सूत्र से हम ये मालूम पड़ा है लोगों ने बताया कि कुछ हर मामले में पैसा लिया जाता है, हर मामले में पैसा लिया जाता है, ऐसा क्या? हमारी जानकारी में किसी भी मामले में कोई पैसा नहीं लिया जाता है, सब कुछ सारा काम फ्री।